इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ये वीडियो किसी भी प्लेयर को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, हमें हर उस प्लेयर को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छी क्रिकेट खेले, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या किसी भी दूसरी कंट्री से हो। अब इस वीडियो में हम मैचअप करने वाले हैं विराट कोहली का मोहम्मद आमिर के साथ ODI और T20 क्रिकेट में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में कभी भी इन दोनों ने एक दूसरे को फेस नहीं किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें ODI क्रिकेट की, तो विराट कोहली ने मोहम्मद आमिर का सामना टोटल 4 ODI मैचेस में किया है। इससे पहले भी 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों अपनी अपनी टीम में थे, लेकिन उस वक्त विराट कोहली 4 नंबर पर बैटिंग करते थे, जिसकी वजह से एक दूसरे का सामना नहीं कर पाए। अब इन 4 ODI मैचेस में मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली को टोटल 41 बॉल्स की हैं। इन 41 बॉल्स पर विराट कोहली ने टोटल 40 रन स्कोर किए हैं, जिनमें 4 चौके और 0 छक्के शामिल हैं, जबकि मोहम्मद आमिर ने इन 41 बॉल्स में से 20 डॉट बॉल्स कराई हैं और 2 बार विराट कोहली को आउट किया है। ODI क्रिकेट में विराट कोहली का मोहम्मद आमिर के खिलाफ स्ट्राइक रेट 97.6 का है। अब अगर हम बात करें पहले ODI मैच की जिसमें विराट कोहली ने मोहम्मद आमिर का सामना किया, तो ये मैच था एशिया कप 2010 का, जो दम्बोला के वेन्यू में खेला गया। इस मैच में मोहम्मद आमिर ने विराट को 6 बॉल्स कराई, जिन पर विराट ने 6 रन स्कोर किए, जिनमें 1 चौका, 0 छक्के और 4 डॉट बॉल्स थी। इस मैच में विराट कोहली का मोहम्मद आमिर के खिलाफ स्ट्राइक रेट 100 का था और मोहम्मद आमिर विराट को आउट नहीं कर पाए थे। अब दूसरे ODI मैच की अगर हम बात करें, तो ये था चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का पाकिस्तान वर्सेज इंडिया पहला मैच, जो बर्मिंघम के वेन्यू में खेला गया। इस मैच में मोहम्मद आमिर ने विराट को 11 बॉल्स कराई, जिन पर विराट ने 10 रन स्कोर किए, जिसमें 1 चौका, 0 छक्के और 4 डॉट बॉल्स थीं। इस मैच में विराट कोहली का मोहम्मद आमिर के खिलाफ स्ट्राइक रेट 90.9 का था और मोहम्मद आमिर विराट को आउट नहीं कर पाए थे। अब अगर हम बात करें तीसरे ODI मैच की, तो ये था चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल, जो ओवल के वेन्यू में खेला गया। इस मैच में मोहम्मद आमिर ने विराट को 7 बॉल्स कराई, जिन पर विराट ने 4 रन स्कोर किए, जिसमें 0 चौके और 0 छक्के शामिल थे और 5 डॉट बॉल्स थीं। इस मैच में विराट कोहली का मोहम्मद आमिर के खिलाफ स्ट्राइक रेट 57.1 का था और मोहम्मद आमिर विराट कोहली को आउट करने में कामयाब हो गए थे। अब अगर हम ये कहें कि इस मैच में मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली को 2 बार आउट किया था, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आउट होने वाली बॉल से पहले जो बॉल की गई थी, उस पर भी विराट कोहली तकरीबन आउट हो चुके थे, लेकिन अजहर अली ने वो स्लिप पर कैच छोड़ दिया था। लेकिन अगली ही बॉल पर शादाब खान ने एक बहुत ही ब्रिलियंट कैच पकड़ा था, जिसकी वजह से मोहम्मद आमिर इस मैच में विराट कोहली को आउट करने में कामयाब हो सके। अब अगर हम बात करें चौथे ODI मैच की, तो ये था वर्ल्ड कप 2019 का, जो मैनचेस्टर के वेन्यू में खेला गया। इस मैच में मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली को 17 बॉल्स कराई, जिस पर विराट कोहली ने 20 रन स्कोर किए, जिसमें 2 चौके और 0 छक्के शामिल थे और 7 डॉट बॉल्स थीं। इस मैच में विराट कोहली का मोहम्मद आमिर के खिलाफ स्ट्राइक रेट 117.6 का था और इस मैच में भी विराट कोहली की विकेट मोहम्मद आमिर ने ही ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट नहीं था। जब मोहम्मद आमिर ने शॉर्ट बॉल की, तो विराट कोहली उसको लेग साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन वो बीट होकर सीधा कीपर के हाथ में चली गई। विराट कोहली को लगा कि बॉल एज होकर कीपर के पास गई है, इसलिए अंपायर के फैसले का इंतजार किए बगैर विराट कोहली पवेलियन वापस लौट गए। बाद में अल्ट्राएज ने ये साबित कर दिया कि विराट कोहली आउट नहीं थे। अब ये था ODI क्रिकेट में विराट कोहली और मोहम्मद आमिर का मैचअप। अब अगर हम बात करें T20 क्रिकेट की, तो विराट कोहली ने मोहम्मद आमिर का सामना टोटल 2 T20 मैचेस में किया है। अब इन 2 T20 मैचेस में मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली को टोटल 19 बॉल्स कराई हैं। इन 19 बॉल्स पर विराट कोहली ने टोटल 16 रन स्कोर किए हैं, जिसमें 3 चौके और 0 छक्के शामिल हैं, जबकि मोहम्मद आमिर ने इन 19 बॉल्स में से 12 डॉट बॉल्स कराई हैं और एक बार भी विराट कोहली को T20 में आउट नहीं किया है। T20 में विराट कोहली का मोहम्मद आमिर के खिलाफ ओवरऑल स्ट्राइक रेट 84.2 का है। अब अगर हम बात करें पहले T20 मैच की, जिसमें विराट कोहली ने मोहम्मद आमिर का सामना किया, तो ये मैच था एशिया कप 2016 का, जो ढाका के वेन्यू में खेला गया। इस मैच में मोहम्मद आमिर ने विराट को 15 बॉल्स कराए, जिस पर विराट ने 10 रन स्कोर किए, जिनमें 2 चौके, 0 छक्के और 11 डॉट बॉल्स थीं। इस मैच में विराट कोहली का मोहम्मद आमिर के खिलाफ स्ट्राइक रेट 66.7 का था और इस मैच में मोहम्मद आमिर विराट कोहली को आउट नहीं कर पाए। इस मैच में मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली को तकरीबन आउट कर दिया था, लेकिन अंपायर ने LBW आउट नहीं दिया था। अब अगर अंपायर आउट दे देते, तो विराट कोहली आउट होते, क्योंकि विकेट्स हिटिंग की स्टेटस अंपायर्स कॉल थी। अब अगर हम बात करें दूसरे T20 मैच की, तो ये मैच था T20 वर्ल्ड कप 2016 का, जो धर्मशाला के वेन्यू में खेला गया। इस मैच में मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली को 4 बॉल्स कराई, जिन पर विराट ने 6 रन स्कोर किए, जिनमें 1 चौका, 0 छक्के और 1 डॉट बॉल थी। इस मैच में विराट कोहली का मोहम्मद आमिर के खिलाफ स्ट्राइक रेट 150 का था और इस मैच में मोहम्मद आमिर विराट कोहली को आउट नहीं कर पाए थे। तो ये था T20 और ODI में मोहम्मद आमिर और विराट कोहली का मैचअप। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।